उसकी बेसिक पेंशन निर्धारित हो जाती है। आज आईपीओ सरकार कहती है कि आज लॉन्जिविटी उन्होंने 84 साल कर दी है कि एक आम आदमी की जो उम्र है वो 84 साल तक होगी। उस 84 साल को लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानने के बाद में उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ का लोड पड़ता है हमको पेंशनर को पेंशन देने के लिए। 90,000 करोड़ की उन्होंने राशि दी कि जो बैंक देने की स्थिति के अंदर नहीं है। तो साथियों, यदि वो 84 साल की उम्र मानते हैं तो 60 साल के जो आदमी रिटायर कर जाएगा उसकी जो बेसिक पेंशन होगी तो अगले 24-25 साल तक क्या उसी पेंशन के ऊपर रहेगा? सरकार के अंदर वन रैंक वन पेंशन, डिफेंस के अंदर वन रैंक वन पेंशन, जैसे उनका वेज रिविजन होता है उनकी पेंशन बढ़ जाती है। फैमिली पेंशन, हमारे यहाँ फैमिली पेंशन 15% है, सरकार के अंदर 30% है। ये मुद्दा हम इतने वर्षों से उठा रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, 2 साल पहले अपने सुनने को मिला था कि फाइल तैयार है, फाइल तो केवल वेज रिविजन के साथ में उसका निर्धारण होगा, पर आज हमको पता लगा सरकार कहती है 30% देने की स्थिति में नहीं है, हम केवल 20 या 22% दे सकते हैं। हमारे जितने नौजवान